हाँ जी सर, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, लिखा ऑन, अच्छा क्वेश्चन है बेटे, ऑन अप्रैल 3 अप्रैल बैंक कोट्स द फॉलोइंग स्पॉट एक्सचेंज रेट, $1 इज इक्वल टू, ये है बिट, ये है आस्क, गलती से ऐसा छपा हुआ बिट आस्क, ठीक, बुक में सही प्रिंट है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होगा। 2 मंथ स्वैप पॉइंट्स है 70-90, सर स्वैप पॉइंट्स है, पीछे से मिलाते हुए चलते हैं, ठीक, 70-90 असेंडिंग ऑर्डर में है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 मंथ्स बात का है, 2 मंथ्स फॉरवर्ड रेट निकल सकता है और 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट निकल सकता है 160 और 186। इन ए स्पॉट ट्रांजेक्शन डिलीवरी इज मेड आफ्टर 2 डेज, इम्पॉर्टेंट, डिलीवरी इज मेड आफ्टर 2 डेज, तो इसको मैं 3 अप्रैल का पढ़ने की अपेक्षा मैं सीधा 5 अप्रैल का पढ़ सकता हूँ, मेरी बात समझ में आई, ये 3 अप्रैल का रेट नहीं, अब बोल भी दिया, जो स्पॉट रेट है वो कब का है, 5 अप्रैल का, ठीक है, तो 2 मंथ बाद का निकलेगा और 3 मंथ बाद का निकलेगा, निकालना हो तो स्वैप पॉइंट्स ले लेना 0.001, वही है 0.001, तो 70 है तो 70 के हिसाब से आप मैनेज कर लोगे। यू आर रिक्वायर्ड टू, अब मांग क्या रहा, आपको निकालना है स्वैप पॉइंट्स फॉर 2 मंथ्स एंड 15 डेज, 2 मंथ्स एंड 15 डेज, सुनना ध्यान से, सुनोगे बेटे, काम की चीज है, अगर देखोगे तो आज की डेट कौन सी, सर आज की डेट है मान लो 5 अप्रैल, ईयर दिया है क्या, यस 2016, बेटे ध्यान से सुनना बस, ठीक, अब आपको उसने 2 मंथ स्वैप दे रखा है और 3 मंथ स्वैप दे रखा है, 2 मंथ 3 मंथ, पर आपसे कब का मांग रहा है, 2 मंथ एंड 50, यहां का मांग रहा है, यहां का 2.5 मंथ्स, इस डेट का मांग रहा है 2.5, अच्छा यहाँ का क्या दिया है स्वैप 70 और 90, और यहाँ का कितना दिया है 160 और 186। अब यार सवाल ये है, सुना ध्यान, सवाल ये है कि यहाँ का फॉरवर्ड रेट मांग रहा है, सर जी अगर यहाँ का फॉरवर्ड रेट मांग रहा है तो यहाँ का स्वैप पॉइंट से बताइए, यहाँ बताइए कि 2.5 महीने बाद क्या होगा, और अगर नहीं दिया है तो फिर अकाउंटिंग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते, कॉमन सेंस क्या होगा सुनना ध्यान से, ये बिड वाला देखते हैं, यहाँ कितना है 70 और यहाँ कितना है 160, तो बताओ 1 महीने में स्वैप पॉइंट्स कितना बढ़ता है, डिफरेंस निकाल लो, 1 महीने में कितना बढ़ रहा है स्वैप पॉइंट्स, 160 माइनस 70, 90 से बढ़ रहा है, 90 से, तो अगर साल भर सॉरी पूरे माह में 90, तो बताओ आधे माह में कितना सर 45, तो स्वैप पॉइंट्स कितना होना चाहिए 70 प्लस 45, यहां हो जाना चाहिए स्वैप पॉइंट्स 115, किसके लिए बात कर रहे हैं बिट, ऐसे आस्क के लिए सोचो, यहां कितना दिया आस्क के लिए, यहां लिखता हूं 90 और यहाँ 186, पूरे महीने भर में कितना बढ़ रहा है 90 माइनस 186, सर 96, तो मुझे तो इतने पीरियड का चाहिए बस यहाँ तक का 48, तो प्लस कितना हो जाएगा 48, तो 90 प्लस 48, तो यहाँ कितना जाएगा 138, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ का भी स्वैप पॉइंट्स मालूम है 115 138, ठीक, बात समझ में आ रही है ना लॉजिक, बस इतना है कि मैंने यहाँ कॉमन सेंस यूज किया, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं पर कॉमन सेंस यूज किया, कॉमन, यहाँ 70 है और यहाँ 160 है, तो भाई बताओ महीने भर में कितने से इंक्रीज हुआ स्वैप पॉइंट्स, 90 से, तो ऑन एन एवरेज 15 दिन में कितने से इंक्रीज होगा, आधा कर लो 45, तो 70 में 45 जोड़ा तो यहाँ आ गया, ठीक,
अगर मुझे ये निकालने, पॉइंट नंबर वन में मुझे ये निकालना है, अ सर्टेन स्वैप पॉइंट्स फॉर 2 मंथ एंड 15 डेज, तो पहला वाला पॉइंट कर ले, फिर दूसरा वाला पॉइंट पढ़ते कि क्या मांगा है। कैलकुलेशन ऑफ स्वैप पॉइंट्स फॉर 2 मंथ्स एंड 15 डेज। सबसे पहले बात किसकी करें, बिट कैसे होगा, सत्तर प्लस, सत्तर तो ले नहीं है, एक सौ साठ माइनस सत्तर डिवाइडेड बाय टू। लॉजिक समझ में आ रहा ना, आप इस पे मत जाना ये क्या फॉर्मूला, लॉजिक में समझा दिया। सर हमको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि हमने ये क्या माइनस क्यों किया, बेटे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पीएम ने भी नहीं किया तो हम क्यों करें। 160 माइनस सत्तर डिवाइडेड बाई टू प्लस सत्तर, तो ये आ गया 115। ऐसे किसका आस्क रेट 90 प्लस 186 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 एक महीने का तो 15 दिन का कितना, वन थर्टी एट वन वन फाइव 138 ठीक। और नंबर टू में क्या मांग रहा है, डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर जून, एक्सचेंज रेट मांगा है तो क्या स्पॉट रेट मालूम है, यस ये स्पॉट रेट है, बिट आस्क और स्वैप पॉइंट्स मालूम ही है तो क्या फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो, यस सेकंड कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट 66.2525 और 67.5945 असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा प्लस 0.0115 और 0.0138 तो ये आ गया 66.2640 और ये आ गया 67.6083। दिस इज फॉरवर्ड रेट, ठीक है। वाह सर ये थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक। आगे क्या मांग रहा है,
कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना है ऑन ऑफ डॉलर ऑन INR. बेटे अभी 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 इंपॉर्टेंट. कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम या डिस्काउंट निकालना है ऑफ डॉलर ऑन इंडियन रुपीस. सर निकालना किसका है, डॉलर का निकालना है कि रुपीस का, फिर से पढ़ते हैं. कंप्यूट द प्रीमियम आर डिस्काउंट, एनुअली निकालते हुए ऑफ डॉलर्स, डॉलर का प्रीमियम या डिस्काउंट निकालना है ऑन इंडियन रुपीज. ठीक है, डॉलर का निकालना है. डॉलर का निकालना मतलब डॉलर का ही रेट दिया हुआ है कि यस डॉलर का रेट दिया, तो सीधा फॉर्मूला लगेगा एफ आर माइनस एस आर. पर सुनो ध्यान से, ऑन एवरेज रेट, ऑन एन एवरेज रेट, ये समस्या है. ये क्या चीज़ है, अगर मुझे प्रीमियम या डिस्काउंट निकालना होता तो मैं कैसे निकालता. क्या मुझे एस आर मालूम है, यस. क्या मुझे एफ आर मालूम है, यस. तो एफ आर माइनस एस आर, एफ आर माइनस एस आर डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई क्या करते, डिवाइडेड बाई एस आर कर देते, काम खत्म हो जाता. भाई फॉर्मूला तो वही है, एफ आर माइनस एस आर डिवाइडेड बाई एस आर. पर भाई ये जो लिखा हुआ है ना, ये शब्द ऑन एवरेज रेट, इसका मतलब क्या है सर. ऑन एवरेज रेट बेटे उन्होंने कहा कि ये जो निकालोगे बेस में आप एफ आर लोगे कि एस आर, वैसे हम एस आर ही लेते हैं, पर बोले बेस में एफ आर और एस आर का एवरेज ले लेना. प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन करवाया गया है और उसने एवरेज ही लिया हुआ है. सो लॉजिक क्या है, लॉजिक कुछ नहीं है. अगर मैं जैसे प्रीमियम या डिस्काउंट निकालना होता तो एफ आर माइनस एस आर करके निपटा देता, पर वहाँ शब्द यही लिखा ऑन एन एवरेज बेसिस, इसी वजह से मुझे यहाँ काम करवाना पड़ेगा. ठीक है, तो सर पहले क्या एवरेज निकाल लें क्या, सीधा सॉल्व हो सकता ना. कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट, बिड रेट एफ आर कितना है 66.2640 माइनस 66.2525 डिवाइडेड बाई क्या होता 66.2525, पर इन्होंने एवरेज लिया 66.2640 प्लस 66.2525 और डिवाइड किससे किया है टू, एवरेज लेना है. फिर क्या किया इन 200 इन टू, ये कितने मंथ का है 2.5 मंथ का, तो 12 महीने हमें तो पर एनम है, बस इतना किया है यार. ठीक है, बस यहाँ ना एवरेज लिया बस इसी, बाकी तो हमें प्रीमियम या डिस्काउंट तो पता ही है. सर करना क्या है, करेंगे क्या, पहले शायद नीचे वाला सॉल्व कर ले क्या, 66.2640 माइनस 66.2525 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एम प्लस. ठीक है, 66.2640 माइनस 66.2525 डिवाइडेड बाई एम आर सी इक्वल टू सर इसको लिख ले के नीचे, चलो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, 66.26 ये तो इतना ही आ जाएगा यार, 0.0115 डिवाइडेड बाय 66.2640 प्लस 66.2525 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया 66.2582 0.0115 डिवाइडेड बाय 66.2582 इनटू 100 इनटू 12 डिवाइडेड बाय 2.5
0.0833%। कैलकुलेशन मिस्टेक आप देख लीजिए, पर है ना। ये किसका निकाला था हमने? बिट। ऐसे ही किसका निकालना पड़ेगा? आस्क रेट। -67.5945 डिवाइडेड बाय 67.6083 प्लस 67.5945। इसका क्या करना है? एवरेज इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2.5। देखा जाए तो ये अगर 0.0138 डिवाइडेड बाय 67.6083 प्लस 67.5945 डिवाइडेड बाय 2, तो अगर 67.6014 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड 0.0138 डिवाइड बाई MRC, अच्छा 0.0138 डिवाइडेड बाई 67.6014 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये आ गया 0.097980 परसेंटेज। अजीब सा क्वेश्चन था, पर PM को मैं फॉलो कर रहा हूँ पूरी तरह से। आप बोल सकते हो कि सर हमें कैसे पता लगेगा, ऐसे करना बेटे, मेरी बात समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, प्रॉपर पूरी तरह से प्रैक्टिस मैनुअल को फॉलो किया गया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था, अब हम लोग आगे चले। यस सर, हम लोग आगे चल रहे अगले क्वेश्चन, ठीक है।